आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्हें 5 अगस्त की शाम को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर स्पॉट किया गया। उनके बेटे शाजेब वाजेद जॉय, जो कि राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पीएम ने राजनीति को अलविदा करने का मन बना लिया है। और इसी बीच अल्पेश यादव ने भी इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए एक ट्वीट किया है। दरअसल जून महीने में बांग्लादेश की एक कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले के बाद वहां के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, और जिस कारण कोर्ट को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा। लेकिन हिंसा रुकी नहीं, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, और 4 अगस्त को मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई और प्रधानमंत्री को फौरन इस्तीफा देना पड़ा। देश छोड़कर वो रात भर भारत में रुकी, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बहन के साथ लंदन रवाना हो सकती है। वही बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर अल्पेश यादव हमेशा हिंदू धर्म को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अपने विचार भी शेयर करते रहते हैं, और इसी बांग्लादेश की घटना पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा निश्चित की जाए। अल्पेश के इस पोस्ट के बाद उनके दोस्तों और चाहने वालों का भी भरपूर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत ने कहा है कि वो सम्मानित महसूस कर रही हैं कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं। कंगना ने अपने लिखे पोस्ट में लोगों की सोच पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने ये लिखा है कि जो लोग ये पूछते हैं कि राम राज्य क्यों आना चाहिए, तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा उनके लिए सटीक जवाब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित महसूस करते हैं और खुश हैं कि बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन वो सभी जो भारत में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हिंदू क्यों राष्ट्र, राम राज्य क्यों, जाहिर है क्यों, मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। सिर्फ कंगना ही नहीं, बाकी कई सितारों ने ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं। फिलहाल कंगना और अल्पेश के पोस्ट सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है, आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।